अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी मेंटर उम्मे उमाइमा रुमान। रियल कंडक्टेड इंटरव्यूज़ का जो हमने डाटा कलेक्ट किया था उसके आज हम क्वेश्चन नंबर 281 to 310 तक डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चंस आपको पता है मेरी हर वीडियो में आपको मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा मुझे। और फिर स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना आज का टॉपिक जो कि है क्वेश्चन 281 to 310। सबसे पहले क्वेश्चन है जी 281, व्हाट इज़ नेगेटिव लर्निंग। नेगेटिव लर्निंग को मोस्टली लोग जो हैं वो नेगेटिव एजुकेशन के साथ मिक्सअप कर लेते हैं। तो आप लोगों ने माइंड में रखना है कि नेगेटिव एजुकेशन एक अलग कंसेप्ट है और नेगेटिव लर्निंग जो है वो अलग कंसेप्ट है। नेगेटिव एजुकेशन जो है वो रोसो से रिलेट होता है, ठीक हो गया। और इसमें रोसो ने ये कहा था कि नो स्कूल, नो एग्जामिनेशन सिस्टम, इवन दैट नो फॉर्मल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू एज 12, ठीक हो गया। लेकिन जो नेगेटिव लर्निंग है वो डिफरेंट है थोड़ा सा। वो ये है कि नेगेटिव लर्निंग मीन्स व्हेन ओवर एग्जिस्टिंग नॉलेज क्रिएट हर्डल्स इन लर्निंग न्यू नॉलेज। लाइक अगर एक उर्दू मीडियम स्टूडेंट है तो वो जाहिर सी बात है जब उसको इंग्लिश मीडियम में हम शिफ्ट करेंगे तो वो डिफ़िकल्टी फील करेगा। मतलब उसकी पहले से जो मौजूद नॉलेज थी वो उसको न्यू नॉलेज को गेन करने में, अचीव करने में, परसीव करने में जो है हर्डल्स क्रिएट कर रही है, रुकावट बन रही है, ठीक हो गया। और नेगेटिव लर्निंग के अगेंस्ट होती है पॉजिटिव लर्निंग। पॉजिटिव लर्निंग में ये होता है कि जब आपकी पहले से अचीव्ड आपका जो नॉलेज होता है वो न्यू नॉलेज के लिए आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हो। जैसे आपको मैथमेटिक्स जो है वो आती है और आप फिज़िक्स में जब न्यूमेरिकल्स करते हो तो फिर उसमें आपके लिए मैथमेटिक्स जो है वो हेल्पफुल प्रूव हो जाती है। तो ये पॉजिटिव लर्निंग की एग्जांपल हो जाएगी। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 282, व्हाट इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी। मेमोरी की जो 3 मेन टाइप्स हैं उनमें से एक है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो इसको हम अगर इंग्लिश में डिफाइन करें तो वी कैन से कि शॉर्ट टर्म मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी इन विच वी लर्न अ पीस ऑफ नॉलेज फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, 7 चंक अ मोमेंट, ठीक हो गया। मतलब एक वक्त में नॉलेज के जो हैं 7 चंक्स जो हैं वो पीसेस को कहा जाता है। मतलब इससे ज़्यादा हम लर्न नहीं कर सकते। अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल दूं, डेली लाइफ एग्जांपल दूं, तो जैसे फ़ोन नंबर, अगर हमने किसी का फ़ोन नंबर सेव करना है या हम किसी से पूछते हैं कि मुझे फ़लां का फ़ोन नंबर चाहिए और मैंने उसको कॉल करनी है, तो जाहिर सी बात है आप उसको फॉर एवर तो लर्न नहीं करेंगे ना। आप यही करेंगे कि जब तक आपने नंबर डायल करना है तो आप तब तक उसको याद रखेंगे। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी की एक एग्जांपल हो सकती है। क्वेश्चन 283 को देख लेते हैं, व्हाट इज़ कोल्डबर्ग डेवलपमेंट थ्योरी। डेवलपमेंट की जितनी भी थ्योरीज हैं उनमें कोल्डबर्ग जो है वो एक बड़ा नाम है। इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने हेन्स के डायलमा को डिस्कस किया था। असल में ऐसा था कि एक हेन्स जो है वो एक बंदा था जिसकी वाइफ जो है वो कैंसर में, मतलब कैंसर हो गया था उनकी वाइफ को, और यूरेनियम की कुछ क्वांटिटी जो है उसकी बीवी की इलाज के लिए, उसकी क्योरमेंट के लिए मस्ट थी। तो जो ड्रगिस्ट था उसके पास, उसने तब यूरेनियम जो है आप ऐसे समझ लें कि हम कहते हैं ना कि ईजाद किया था या उसने फाइंड आउट किया था। तो जो उसकी कीमत थी उस वक्त यूरेनियम की वो 200 पाउंड्स थी, लेकिन जो ड्रगिस्ट था वो 10 टाइम्स ज़्यादा उसकी जो अमाउंट है वो डिमांड कर रहा था हेन्स से। 2000 पाउंड्स वो डिमांड कर रहा था और हेन्स के पास इतना मतलब रुपया या पैसा या इतनी मनी उसको बाय करने के लिए नहीं थी। तो जो हेन्स है उसने मतलब उधार लिया लोगों से और बहुत ज़्यादा उसने कोशिश की कि वो अपनी बीवी के लिए इस ड्रग को ख़रीद सके, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद, सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करने के बावजूद हेन्स इस काबिल ना हुआ कि उसको जो है वो परचेज़ कर सके। उसके पास जस्ट 1000 पाउंड इकट्ठे हुए थे। फिर वो ड्रगिस्ट के पास गया, उसने मिन्नत समाजत की, उसने रिक्वेस्ट की उसको कि सर आप काइंडली मुझे 1000 में दे दें या मुझे उधार दे दें, लेकिन वो जो है उसने इसकी बात नहीं मानी। तो फिर क्या हुआ, हेन्स जो है उसने चोरी कर ली ड्रग ना और अपनी बीवी को बचाने की कोशिश की। तो उस पर कोल्डबर्ग जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब 3 stages and 6 levels उन्होंने फिर डिस्कस किए, लोगों से उन्होंने रिसर्च की और डिफरेंट व्यूज़ लिए। तो फिर ये एक अलग बात है कि वो 6 levels और 3 stages क्या थे। जब कोल्डबर्ग की थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंट की थ्योरीज़ को, तो उसमें फिर हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 284, डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड।
सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ एटीट्यूड। एटीट्यूड असल में बिहेवियर की एक टाइप है, सॉरी बिहेवियर की एक टाइप है जिसमें करंट टाइम या करंट मोमेंट में आपका एटीट्यूड, आपका रवैया चेक किया जाता है। लेकिन जो एप्टीट्यूड होता है वो आपका हाईएस्ट पोटेंशियल होता है, आपकी एबिलिटी होती है कि आप फ्यूचर में किस तरह से परफॉर्मेंस, मतलब अपनी परफॉर्मेंस को शो कर सकते हैं, उसकी प्रेडिक्शन होती है। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि एटीट्यूड इज़ द टाइप ऑफ बिहेवियर एट अ टाइम या बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम एप्टीट्यूड को डिस्कस करें तो हम कहेंगे कि इट इज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल ऑफ अ पर्सन ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर द प्रेडिक्शन ऑफ हिज फ्यूचर, ठीक हो गया जी। तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 285, व्हाट इज़ योर हॉबी। तो ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, ये आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच पर डिपेंड करता है आपकी हॉबी क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप कह देते हैं कि बुक रीडिंग इज़ माय हॉबी, तो आपको कुछ ऐसी लेटेस्ट अच्छी बुक्स का पता होना चाहिए, उनके थीम्स का पता होना चाहिए, उनकी जो स्टोरी है उनका पता होना चाहिए, या एटलीस्ट अगर वो कोई मोटिवेशनल बुक है तो उस मोटिवेशनल बुक में जो रीडर, सॉरी जो राइटर है, उसने कौन कौन से एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है, फिर उसकी डेवलपमेंट के हवाले से, उस ऑथर की लाइफ के हवाले से आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज़ आप फिर कोई ऐसी हॉबी चूज़ करें जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग ना हो सकती हो, ठीक हो गया। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन 286, व्हाट आर प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल। अब स्कूल की प्रॉब्लम्स हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा, जैसे बजट हो गया, और बजट की जो यूटिलाइजेशन है वो बेस्ट मैनर्स में नहीं होती, उसके अलावा पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, पुअर मेंटोरिंग, अनफेयर मॉनिटरिंग, या फिर इनसफिशेंट बिल्डिंग, लैक ऑफ ट्रेनिंग टू टीचर्स, टू मेंटोर्स, टू एवरीवन और टू ऑल स्टेक होल्डर्स, उसके अलावा ड्रॉप आउट, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड सो ऑन, ठीक हो गया। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 287 हो गया होगा हमारा, व्हाट इज़ जीडीपी फॉर स्कूल, ग्रॉस प्रोडक्ट, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट कहते हैं जीडीपी को। तो स्कूल के लिए जो यूनेस्को ने 1960 में रिकमेंड किया था वो 4% था, और 1972 की पॉलिसी जो थी एजुकेशनल उसमें भी 4% डिसाइड किया गया था। फिर उसके बाद फर्दर 1998 की पॉलिसी में 7% डिस्कस किया गया, लेकिन इतना जो है यूटिलाइज़ नहीं किया गया, या एजुकेशन डिपार्टमेंट को, या स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को इतना प्रोवाइड नहीं किया गया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट तो क्या, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी नहीं प्रोवाइड किया गया। करंटली 2021 के सर्वे के हिसाब से 1.77% जो जीडीपी है वो एजुकेशन सेक्टर पर यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू मैस्लो थ्योरी। जी तो अगर आप एज एन एचएम अप्लाई करते हैं आप, या एज एन लेक्चरर आप अप्लाई करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप सेल्फ एस्टीम के लेवल पे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, मेरे पास लोग मुझे जानते हों, पहचानते हों, जब मैं अच्छी पोस्ट पे होंगी तो मतलब लोग मुझे जानेंगे, पहचानेंगे, मेरे बारे में बात करेंगे, तो ये अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन ये सेल्फ एस्टीम का लेवल बनता है, ठीक हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन 289, लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान एंड पंजाब। अब पाकिस्तान का लिटरेसी रेट जो है वो डिफरेंट बार में डिफरेंट रहा है, तो एक सर्वे के मुताबिक जो 2022 में किया गया उसमें 60 मिलियन पीपल जो हैं वो, 60 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं वो तकरीबन एजुकेशन जो है वो गेन कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हम पंजाब का देखें तो 62.8% बनता है, जो कि 63% अबाउट 63% है, पाकिस्तान में 58% तक है। और अगर सारे प्रोविंसेस की हम बात करें तो सबसे पहले पंजाब को हमने डिस्कस कर लिया, 62.8% जो कि 63% माना जाएगा। अर्बन एरियाज़ में पंजाब का जो आप समझ लें कि लिटरेसी रेट है वो है 76%, और रूरल एरियाज़ में 51%। अगर हम सिंध की बात करें तो ये अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ 2021, ये जितनी भी मैं आपको फाइंडिंग्स दे रही हूँ ये 2021 के सर्वे के हिसाब से दे रही हूँ, तो सिंध में जो है वो 60% है, केपीके में 53% है, और बलोचिस्तान में बहुत लो है, 44% है, ठीक हो गया। अब देखते हैं जी 290 क्वेश्चन, व्हाट इज़ क्रिटिकल पेडागोजी।
पेडागोजी जो है आपको पता है आर्ट ऑफ टीचिंग होता है, तो जो क्रिटिकल पेडागोजी है वो बेसिकली एक थीरी समझ लें या इसको फिलॉसफी समझ लें, फिलॉसफी समझ नहीं बल्कि इसको फिलॉसफी माना जाता है, एजुकेशन की फिलॉसफी माना जाता है, मॉडर्न फिलॉसफीज में से एक फिलॉसफी है ये क्रिटिकल एजुकेशन की, जिसमें पहले तो ये जो फिलॉसफी है इसने ये एक छोटी सी मूवमेंट थी जिसने फिलॉसफी की शक्ल अख्तियार कर ली, तो इसमें असल इसका जो स्लोगन है वो ये है कि सोशल जस्टिस और डेमोक्रेसी आर द पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक हो गया, मतलब अगर हम रिकंस्ट्रक्शनलिज्म के अप्रोच देखें तो ये क्रिटिकल फिलॉसफी जो है उसके साथ मैच करती है, और इसका जो मेन फोकस है वो सोशल जस्टिस पे, डेमोक्रेसी पे है, और वो ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस जो है वो एज अ सब्जेक्ट आपके सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए। ठीक हो गया, 291 व्हाट इज़ कम्पिटेंसी स्टैंडर्ड्स एंड SLOs, तो ये हम पहले भी बहुत सारे वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं। कम्पिटेंसी असल में ये एक एबिलिटी है कि एक इंडिविजुअल जो है एक काम को कितना एफिशिएंटली कर सकता है या करने के काबिल है, जैसे कि अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कहेंगे इट इज़ एबिलिटी टू डू समथिंग इफेक्टिवली। अगर स्टैंड्स की बात करें तो आपको पता है कि ये एक ट्रैक है, मैंने पहले भी इसकी डिफरेंट आप लोगों को जो है डिफाइंस दी हैं, आज मैं आपको कुछ डिफरेंट दूंगी ताकि कुछ ना कुछ आपके माइंड में रह जाए। तो स्टैंड्स को हम कह सकते हैं इट इज़ एन एकेडेमिक ट्रैक, या फिर हम कह सकते हैं कि इट इज़ द कंपाइलेशन ऑफ स्ट्रक्चर्ड एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम इन विच कंटेंट इज़ ऑर्गेनाइज्ड। अब अगर मैं इसकी आपको डेली लाइफ एग्जाम्पल दूँ तो मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दी थी इस्लामियत की बुक की, कि जिसमें जी तौहीद या ईमानियात का अलग स्टैंड है, फिर उसके बाद रिसालत का अलग स्टैंड है, उसके बाद सहाबा कराम का अलग स्टैंड है, और इसी तरह से हदीस और कुरान का अलग स्टैंड है। ठीक हो गया, फिर इन स्टैंड्स में डिफरेंट चैप्टर्स मतलब कंटेंट, डिफरेंट कंटेंट जो हैं वो शामिल किए जाते हैं स्टैंड्स में। ठीक हो गया, या अगर हम मैथ के एग्जाम्पल ले लें तो जैसे अलजबरा हो गया, ज्योमेट्री का स्टैंड हो गया, अलजबरा का स्टैंड हो गया, सिंपल या ट्रिग्नो मैट्रिक का स्टैंड हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टैंड्स कहलाते हैं, जिसमें हम फिर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कंटेंट की। अगर हम स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ये बेसिकली लर्निंग के गोल्स हैं पूरे साल के लिए या एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। स्टैंडर्ड्स मीन के आपने एक टर्म में स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना है, फिर आपने सिक्स मंथ्स में क्या पढ़ाना है, फिर आपने मिड टर्म में क्या करवाना है, या आपने एट द एंड ऑफ द ईयर तक स्टूडेंट्स को जो है कितना सिलेबस कवर करवा लेना है। ठीक हो गया, ये गोल्स होते हैं जो कि होल ईयर के लिए एट द एजुकेशनल एजेंसी के लेवल पे, मतलब स्कूल कॉलेज इस लेवल पे होते हैं, और जो SLOs होते हैं वो क्लासरूम लेवल पे होते हैं, गोल्स होते हैं या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स जो कि क्लासरूम लेवल पे अचीव किए जाते हैं उनको SLOs कहते हैं। SLOs स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। ठीक हो गया, अच्छा स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ना वो बेसिकली हमें मिलते हैं हमारे सिलेबस में। ठीक हो गया, जो सिलेबस है वो आउटलाइन जो हमारे पास होती है कि हमने किस वक्त कौन सा काम करवाना है, तो ये स्टैंडर्ड्स जो है वो उसमें मेंशन होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 292 को देख लेते हैं, व्हाट आर NPSTs एंड इट्स मेथड्स। NPST स्टैंड्स फॉर नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचिंग, जो कि 2009 की पॉलिसी में पाकिस्तान ने इन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना स्टार्ट किया था फर्स्ट टाइम, और इसमें मेथड्स जो हैं आपको पता है कि डिफरेंट जब 10 पॉइंट्स हैं तो किसी हम एक स्पेसिफिक मेथड से उसको अचीव करने के काबिल नहीं हो सकते, तो इसमें मिक्सड मेथड अप्रोच हमारी यूज़ होगी। ठीक हो गया, इट्स मेथड्स में हम मिक्स्ड मेथड अप्रोच यूज़ करेंगे। 293 क्वेश्चन है, व्हाई वी डिज़ाइन TOS। TOS मींस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस, ये बेसिकली टेस्ट की कंस्ट्रक्शन में या टेस्ट की फॉर्मेशन में यूज़ किए जाते हैं। इसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी के ज़्यादातर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लेवल को कॉग्निटिव डोमेन के को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। कॉग्निटिव डोमेन के जितने भी 6 लेवल्स हैं उनके हिसाब से इन पे वर्क किया जाता है, और बेसिकली ये यूज़ किए जाते हैं कि टीचर्स को जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड की जाए कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग अपने टेस्ट को जो है वो बिल्ड कर सकें या कंस्ट्रक्ट कर सकें। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो हम कहेंगे टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस आर यूज्ड टू मेक इट ईजी फॉर टीचर्स टू प्रिपेयर टेस्ट अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्टिव। ठीक हो गया, अब जी 294 है, एक्सप्लेन रोल ऑफ PEC, पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन।
टेक स्टैंड फॉर पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन, तो ये एक हेल्पिंग हैंड या फैसिलिटेटर का रोल प्ले करता है विद कोलैबोरेशन टू द स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जिसको हम सेट भी कहते हैं। ये असेसमेंट और इवेल्यूशन के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है एलिमेंट्री लेवल तक। पहले ये 5 और 8 क्लास के पेपर्स कंडक्ट करवाता था, लेकिन आप लोगों को पता है कि LSA लार्ज स्केल असेसमेंट और स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA जिसको कहा जाता है, उस पे रिसेंटली 2022 में इसने वर्क किया है। 2021 में LSA लार्ज स्केल असेसमेंट पे भी इसने वर्क किया था पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने, जिसमें स्कूल लेवल पे 5 और 8 के जो एग्ज़ाम्स थे वो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन को मद्देनज़र रखते हुए जो है कंडक्ट करवाए गए थे। फिर 2022 में इसने SBA मतलब स्कूल बेस्ड असेसमेंट पे भी वर्क किया, जिसमें इसने आइटम बैंक प्रोवाइड किया स्कूल लेवल पे। हम जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो बेस्ट समझ सकते हैं इस चीज़ को कि उन्होंने किस तरह से अपने पेपर जो है वो Class 1 to Class 8 तक जनरेट किए, फिर उनको कंडक्ट किया, फिर TOS मतलब टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के हिसाब से यानी रूब्रिक्स के हिसाब से जो पेपर में रूब्रिक्स दी गई थी उनके हिसाब से उसको प्रॉपरली चेक किया, और स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस थी वो डिस्ट्रिक्ट वाइज पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन को सबमिट करवाई गई, और उसके बाद अब मज़ीद उस पर वर्क किया जा रहा है। 295 क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ ऑनलाइन लर्निंग? तो ऑनलाइन लर्निंग जो है लर्निंग थ्रू यूज़ ऑफ इंटरनेट जैसे स्काइप जूम, इसको हम ऑनलाइन लर्निंग कहेंगे। 296 है, हु इज़ योर फेवरेट पर्सनालिटी? जी ये तो एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, आपकी सब्जेक्टिव अप्रोच पे डिपेंड करता है ये, जो आपकी फेवरेट पर्सनालिटी आप वो बता सकते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि आप लोग अक्सरियत ये करती है कि जो फेमस पर्सनालिटीज़ होती हैं उनमें से किसी का नाम ले लेती है, जैसे हमारे नबी हो गए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या जैसे हमारे कायद हो गए, या हमारे नेशनल पोइट हो गए, या जैसे ईदी साहब हो गए, या नेल्सन मंडेला, या मदर टेरेसा, या इस तरह की पर्सनालिटीज़ के नाम ले लेते हैं। तो इसमें यह होता है कि जो पैनल बैठा होता है ना, उनको इन पर्सनालिटीज़ के बारे में बहुत कुछ पता होता है, क्योंकि ये फेमस होती हैं तो वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें फिर आपके फंसने के चांसेस बन जाते हैं। तो मैं आपको अपना ना एक सजेशन दूंगी, इसको क्लेवर सजेशन का नाम दूंगी मैं। उसमें ना आप ये करें कि आप अपने किसी टीचर का नाम बता दें, या आप अपने घर के किसी फैमिली मेम्बर का नाम बता दें, जैसे जो वाइफ्स हैं वो अपने हस्बैंड्स का नाम बता सकती हैं। अब जो पैनल बैठा है, आपको इसमें बेनिफिट ये मिल जाएगा कि पैनल को नहीं पता, वो उसको पर्सनली नहीं जानते, तो उसमें क्या होगा, वो आपसे उस तरह की क्वेश्चनिंग नहीं कर सकेंगे। वो जिस तरह की भी क्वेश्चनिंग करें वो उस चीज़ के बारे में अनअवेयर होंगे, और ये चीज़ आपको बेनिफिट दे जाएगी। ठीक हो गया, अब 296 क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज़ योर फेवरेट पर्सनालिटी? जी हमने अभी डिस्कस कर लिया। 297, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज? तो ये भी सिचुएशनल क्वेश्चन है, जो कुछ आप कर रहे हैं आप उनको बताएंगे, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप बताएंगे आप जॉब कर रहे हैं, फिर जिस तरह के सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन होंगे वो आपको हैंडल करना पड़ेंगे। 298 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फॉर्मल एजुकेशन? फॉर्मल एजुकेशन बेसिकली मोड ऑफ एजुकेशन में से एक है, जिसमें हम एजुकेशनल एजेंसी में रहकर मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में रहकर जो है एजुकेशन हासिल करते हैं। इसमें फिक्स्ड रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट्स होते हैं, हमें डिग्री मिलती है, उसके अलावा इसमें जो है हम लोग असेसमेंट और एवेल्यूएशन जो है वो मस्ट हमारी होती है, और इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करने पे हमें जो है स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं एंट्री एग्जिट के हवाले से, तो उनको हमें फॉलो भी करना पड़ता है। ठीक हो गया, और लॉट ऑफ टाइम हमें देना पड़ता है, और अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो वी कैन से इट इज़ मोड ऑफ एजुकेशन विच हैज़ फिक्स रूल्स ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ अर डिग्री गॉट इन एजुकेशनल एजेंसी लाइक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ETC या एकेडमीज जैसे हो गए। और 299, व्हाट आर यूज़ ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एंड सोलो टैक्सोनॉमी? जी ब्लूम टैक्सोनॉमी आपको पता है इसकी 3 domains हैं, और ये तीनों domains जो हैं हमारी objectives को सेट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, और जो सोलो टैक्सोनॉमी है वो हमारे आउटकम्स के साथ डील करती है, तो इसमें तो कोई इतनी परेशान होने वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन 300 है, एक्सप्लेन 5 levels ऑफ सोलो टैक्सोनॉमी। अब सोलो टैक्सोनॉमी पे अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मेरी वीडियो मौजूद है सोलो टैक्सोनॉमी में, मैंने डेली लाइफ एग्जांपल्स के साथ उसको अच्छे से रिलेट करके एक एक लेवल को मैंने समझाया हुआ है, आप जा सकते हैं वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी की भी तीनों डोमेन्स पे शॉर्ट वीडियोज़ भी हैं, और एक लॉन्ग वीडियो भी मेरी ब्लूम्स एंड सोलो टैक्सोनॉमी पे मौजूद है, आप मेरी टैक्सोनॉमीज़ के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हैं। अब मैं इसका आपको
ओवरव्यू दे देती हूँ कि 5 लेवल्स जो हैं, प्री स्ट्रक्चर जिसमें स्टूडेंट्स को कुछ पता नहीं होता, उसके पास कोई नॉलेज नहीं होती, उसके बाद यूनि स्ट्रक्चर, उसमें आपका जो स्टूडेंट है उसके पास जस्ट एक आंसर होगा, ठीक हो गया। मल्टी स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा आंसर्स होंगे, फिर रिलेशनल पे जो है वो उन आंसर्स को, उन गिविंग इन्फॉर्मेशंस को, उन चंक्स को आपस में रिलेट भी कर सकता होगा, और एक्सटेंडेड अब्स्ट्रैक्ट जो है वो क्रिएटिविटी के लेवल पर ले जाएगी आपके स्टूडेंट को। 301 है, व्हाट आर 3 एरियाज ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो 3 एरियाज जो हैं वही 3 डोमेन्स हैं, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन एंड अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन बाय रेथवॉल, साइकोमोटर बाय सिम्पसन एंड कॉग्निटिव डोमेन बाय ब्लूम इटसेल्फ हिमसेल्फ सॉरी। क्वेश्चन 302, इफेक्ट ऑफ COVID-19 ऑन एजुकेशन। अब COVID-19 एजुकेशन जो है एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मतलब आप इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बता सकते हैं, आप इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बता सकते हैं। जैसे कि नेगेटिव एस्पेक्ट इसका ये हो सकता है कि प्राइमरी एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा स्पॉइल हुए, और लेकिन जो ऑनलाइन लर्निंग है वो चीज़ इम्प्रूव हुई, स्काइप, जूम्स, ऑनलाइन क्लासेस, इसमें ये हुआ कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुए। और टेली स्कूल की आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्टार्ट करवाया। उसके अलावा आप बता सकते हैं कि ब्लेंडेड लर्निंग का रुझान बढ़ा, और फ्लिप्ड लर्निंग की एग्जांपल आप दे सकते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बढ़ गई, और अगर छोटी क्लासेस में देखा जाए तो मेरे ख्याल में नुकसान ही हुआ है। अब जी क्वेश्चन 303, व्हाट इज़ एजुकेशनल रिसर्च। जी तो रिसर्च क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। रिसर्च जो है वो सिस्टमेटिक वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो अगर हम इसको एजुकेशनल रिसर्च के पर्सपेक्टिव में लेंगे तो वी कैन से रिसर्च डन टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, मतलब एजुकेशन के सेक्टर में या एजुकेशन टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में अगर हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को साइंटिफिक वे के थ्रू जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं या उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो वो एजुकेशनल रिसर्च होगी। क्वेश्चन 304, व्हाट आर स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। जी साइंटिफिक मेथड्स के कुछ बुक्स में हमें 7 स्टेप्स मिलते हैं और कुछ में 6 स्टेप्स मिलते हैं, तो जो बेसिक है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके बाद कुछ बुक्स में हमें आस्क क्वेश्चन का ऑप्शन भी मिलता है और कुछ में नहीं मिलता, तो उसके बाद फॉर्मेशन होती है हाइपोथेसिस की, फिर प्रेडिक्शन की जाती है हाइपोथेसिस के बारे में, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उस प्रेडिक्शन को टेस्ट किया जाता है, उसके बाद रिजल्ट्स जो हैं उनको एनालाइज किया जाता है, एंड में थ्योरी या जो थ्योरी डेवलपमेंट कर दी जाती है या फिर हाइपोथेसिस पे मजीद वर्क किया जाता है। जी क्लासरूम रिसर्च हो गई, उसके बाद जी 306, व्हाई काउंसलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो काउंसलिंग जो है वो असल में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक्सपर्ट्स करते हैं काउंसलिंग, क्योंकि गाइडेंस तो आपको कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, कोई भी मोर नॉलेजेबल अदर या कोई भी अननॉलेज पर्सन भी आपको जो है गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन काउंसलिंग जो है वो स्पेशली रिलेट की जाती है एक्सपर्ट्स के साथ। तो ये इसलिए हेल्पफुल प्रूव हो सकती है कि ये आपको किसी भी लाइफ की सिचुएशन में जो है उसको, उस सिचुएशन को बेटर वे में हैंडल करने के काबिल बना सकती है और अच्छे एस्पेक्ट्स पर हमें वर्क करना सिखा सकती है, ठीक हो गया। और क्वेश्चन 305 तो हम भूल गए, व्हाट इज़ क्लासरूम रिसर्च। तो क्लासरूम रिसर्च जो है इट इज़ आल्सो कॉल्ड साइक्लिक या एक्शन रिसर्च। इसका बेसिक नेम तो वैसे एक्शन रिसर्च है, लेकिन इसको क्लासरूम रिसर्च भी कहा जाता है, इसको साइक्लिक रिसर्च भी कहा जाता है, ठीक हो गया। इसमें जो है कंट्रोल बहुत लाइट होता है, स्टूडेंट्स एज अ सैंपल यूज होते हैं, टीचर जो हैं वो एज अ रिसर्चर वर्क करते हैं या टीचर इसको कंडक्ट करते हैं, ये डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। उसके अलावा इसकी जो एप्लीकेशन होती है वो इमीडिएट होती है क्योंकि टीचर के पास स्टूडेंट्स उस वक्त मौजूद होते हैं, और ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक एग्जांपल है। उसके अलावा इसमें इसकी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी पुअर होती है। अब क्वेश्चन 306 हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन 307, व्हाट विल यू डू फॉर डिप्रेस्ड स्टूडेंट्स। जी ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, इसको आप अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। जो मेरी समझ में आए पॉइंट्स वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ और पॉइंट्स भी ऐड हो सकते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि सबका भला हो जाए। अच्छा अब जी डिप्रेस्ड स्टूडेंट्स के साथ सबसे पहले तो हम अपना ट्रस्ट डिवेलप करेंगे उस स्टूडेंट पे। जब तक वो हम पर ट्रस्ट नहीं करेगा तो वो कभी भी हमारी बात नहीं मानेगा क्योंकि वो पहले ही डिप्रेशन में है। उसके बाद नेगेटिव टेक्निक्स हम यूज़ नहीं करेंगे, लाइक पनिशमेंट,
पनिशमेंट हम बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट्स के इसको पनिशमेंट से अवॉइड करेंगे। उसके अलावा हम रीइंफोर्समेंट यूज़ कर सकते हैं, हम उसको गिफ्ट्स दे सकते हैं, अगर छोटा बच्चा है तो हम उसको टॉफ़ीज़ वगैरह ऑफ़र कर सकते हैं, हम उसको प्यार से समझा सकते हैं, हम जो है एविएट्स का यूज़ कर सकते हैं उसके मूड को सेट करने के लिए। उसके अलावा हम लोग जो है इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं अगर बच्चा छोटा है तो, मतलब डिफरेंट कार्टून्स या इस तरह की चीज़ें या डिफरेंट स्टोरीज़ उसको दिखा के या खुद से स्टोरीज़ उसको सुना के उसकी जो है वो काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा बड़ा है, बड़ा स्टूडेंट है, तो फिर हम उसकी जो है वर्बल काउंसलिंग कर सकते हैं, जैसा कि हम रीइंफोर्समेंट्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम उसको उसकी सक्सेस के बारे में डिफरेंट प्लान्स जनरेट करके दे सकते हैं। उसके अलावा हम डिफरेंट असाइनमेंट्स जो उसको हम असाइन करते हैं, क्योंकि वो पहले ही डिप्रेशन में है, तो उसको स्पेशल जो है एडजस्ट करके देते हैं अगर उसके असाइनमेंट्स, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, जस्ट वो उन पे उस पे उससे वर्क करवा लिया जाए, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब नल करिकुलम के हवाले से अगर हम बात करें तो नल करिकुलम को उससे हम अवॉइड कर सकते हैं। इस तरह के डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं। और क्वेश्चन 308 है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ जीपीए? तो जीपीए स्टैंड्स फॉर ग्रेड पॉइंट एवरेज। ये असल में एजुकेशन सिस्टम में एक टूल है जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी डाटा के नंबर्स को इंडिकेट करने के लिए। अगर हम इसको इंग्लिश में डिफाइन करें तो वी कैन से दैट जीपीए स्टैंड्स फॉर ग्रेड पॉइंट एवरेज। इट इज़ द नंबर दैट इंडिकेट्स हाउ वेल और हाउ हाई एन इंडिविजुअल्स एवरेज परफॉर्मेंस इज। देखो गया, ये यूनिवर्सिटीज़ वाले जो है ऑफ़र करते हैं अपने स्टूडेंट्स को। आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि एवरेज आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो होती है और उसके ग्रेड्स होते हैं। अगर हम क्वेश्चन 309 की बात करें, व्हाट आर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल? जी, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल असल में काज एंड इफ़ेक्ट्स हैं। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उन पे हम अफेक्ट नोट करते हैं अपने रिसर्च का, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो काज होता है, उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये एक डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज़ होती हैं, और दूसरा एक्स पोस्ट फैक्टो यानी काजल कंपैरेटिव रिसर्च में भी यूज़ होती हैं। लेकिन इनमें डिफरेंस ये होता है कि एक्स पोस्ट फैक्टो में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो जो है वो हिस्ट्री के किसी इवेंट पे किया जाता है, तो हिस्ट्री में जाके हम किसी भी इवेंट को चेंज नहीं कर सकते। तो इट मींस हम कह सकते हैं कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स पोस्ट फैक्टो या कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उसमें रद्दोबदल नहीं कर सकते। क्वेश्चन 310, विच फिलॉसफी डू यू लाइक द मोस्ट, वाई? अब ये भी एक सिचुएशनल क्वेश्चन है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम एवरी टाइम जस्ट एक फिलॉसफी को फॉलो करके और अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को यूज़ करने के काबिल हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं होती तो मैं यही आंसर देती कि मैं सिचुएशन के हिसाब से अपनी फिलॉसफीज़ को मोल्ड करूँगी। लेकिन फिर भी अगर आपको इंसिस्ट किया जाता है कि आपको एक फिलॉसफी बताएं, तो फिर आप प्रोग्रेसिविज्म का कह सकते हैं, क्योंकि आप एज अ लेक्चरर या एज एन एचएम अगर अपेयर होने जा रहे हैं इंटरव्यू में, तो आपको एजुकेशनल फिलॉसफी का ही नाम लेना चाहिए, बजाय ये कि आप प्रैग्मेटिज्म कहें। प्रैग्मेटिज्म भी आप कह सकते हैं, इसमें कोई मज़ाइके वाली बात नहीं है, लेकिन बेटर यह है कि आप प्रोग्रेसिविज़म का नाम लें, क्योंकि वो एक एजुकेशनल फिलॉसफी है। बेस्ट यही है कि आप अगर आपको ज़्यादा इंसिस्ट किया जाता है कि किसी एक का नाम लें, तो फिर कॉलेज लेवल के लिए प्रोग्रेसिविज़म की अप्रोच ज़्यादा बेस्ट है। उसके अलावा आप इसेंशलिज़म की फ़िलासफ़ी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसेंशलिज़म जो है वो कोर करिकुलम पे वर्क करती है। तो अगर आप एफ ए के स्टूडेंट्स या बी ए के स्टूडेंट्स की बात करें, तो वो बेस बन रही होती है उनकी हायर एजुकेशन की इस लेवल पे। तो इसेंशल जो इसेंशलिज़म है वो भी एक अच्छी फ़िलासफ़ी प्रूव हो सकती है। बाकी आप लोगों की अपनी सब्जेक्टिव अप्रोच पर डिपेंड करता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इतना हार्डवर्क और इतनी रिसर्च के बाद मैं आप लोगों के साथ ये सारा डाटा जो है वो शेयर करती हूँ, ये सारा मटेरियल पता नहीं मैं कितने घंटे रात को जाग जाग के आप लोगों के लिए प्रिपेयर करती हूँ, तो मेरे ख्याल में एक लाइक तो बनता है, ठीक हो गया। बाकी आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको पसंद आती है तो आप ज़रूर लाइक करें, अगर नहीं भी करते तो इट्स टोटली अप टू यू, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं विद नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।